cause running around. Break down, chase the light. We're all in, but on the go. सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी हम लोग उठे हैं। और आज ऐसे प्लान हमारा था कि यूनिटी निकल जाने का सुबह में, मगर एक लोकेशन रह गया था जो थोड़ा बाद में रिग्रेट होता कि इधर तक आया और ये नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने पूरा उसके हिसाब से ट्रेडिशनल लुक, पूरा ड्रेसिंग विशेष सब ट्रेडिशनल, आप देख सकते हो पूरा कुर्ता पायजामा वो सब डाल के आया हूँ मैं। तो सोचा क्या चल ठीक है, एक दिन का डिले कर ही लेते, वैसे भी क्या इसके बाद तो बस ये लोकेशन का फोटोशूट हमारा हो जाए, ये कवर हो जाए, तो इसके बाद हम लोग सीधा निकलने वाले यूनिटी के लिए। तो जितना जल्दी हो सके फटाफट यहाँ पे शूट कर लेंगे पहले। बाकी पता नहीं बाइक में कुछ इशू आ रहा है, बाइक जो है ना स्टार्ट नहीं हो रही, मे बी कुछ बैटरी इशू कुछ तो आ रहा है इसमें, क्योंकि कल से जो है बहुत बार मैंने ये पॉइंट नोटिस किया, मुझे लिटरली आप लोग को बता रहा हूँ कि यहाँ से लोकल लोग से मैं हेल्प लेके इसको धक्का मतलब टोचन दे के चालू करवा रहा हूँ, तो स्टार्टर ले ही नहीं रही बाइक। एक बार चालू हो जाएगी फिर ना एकदम नॉर्मल है, फिर कुछ इशू नहीं है, फिर वो चल रही बराबर। बट वो लंबा मतलब जैसे कि कल रात भर वो खड़ी थी और आज सुबह मैं स्टार्ट करने जा रहा था अभी नहीं रुक रही, इसका मतलब बैटरी में कुछ तो इशू हो रहा है इसके, और एक तो प्लेस अपना नहीं है तो और थोड़ा टेंशन लगता है, क्योंकि ये बाइक को तो कोई हाथ भी नहीं लगाएगा इधर, इसके लिए कैसे जैसे ये बस मुंबई रिटर्न आ जाए, भले मुझे ऐसा धक्का देकर चालू करना पड़े, कोई ना कोई हेल्प करने के लिए मिल ही जाता है, ऐसा कोई ये नहीं है इसके बारे में। बाकी तो पूरी सर्विस वगैरह सब करा लिया था, मगर बैटरी का हेल्थ चेक नहीं किया था मैंने, क्या बैटरी में कुछ इश्यू है क्या नहीं, देखते हो फॉर दी बेस्ट। अभी वैसे हम लोग जा रहे हैं सर्किस रजा, जो जैसे कल आपने देखा होगा पहले वाले ब्लॉग में एक हिस्टोरिकल प्लेस है, वैसे ये भी एक हिस्टोरिकल ही प्लेस है, और इधर हम लोग ट्रेडिशनल शूट करना ही था, तो आज वो पहले कवर कर लेंगे। हाँ यही रही सामने ही लोकेशन है हमारे सरखेज रजा। ऑलराइट, सो फाइनली मैं आ गया हूँ इस दरगाह में, ये एक दरगाह है सरखेज रजा करके, और क्या सही दरगाह है देखो, फुल हिस्टोरिकल, ऐसे प्लेसेस घूमने में मज़ा भी बहुत सही आती है, तो मेरे को तो स्पेशली आती है। चलो यहाँ से देख लेते, यहाँ पे एक तालाब है, क्या लोकेशन है यार ये, तो ये था हमारा सरखेज रजा, हो गया पूरा एक्सप्लोर कर करके, अभी फटाफट रूम पे जाना है, पूरा चेंज करना है, क्योंकि अभी हम लोग इधर से निकलना है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए, तो बहुत लेट हो गया है, बट लेट्स सी। ऑलराइट, सो फाइनली बाय बाय अहमदाबाद, अभी यहाँ से हम लोग निकल गए और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। हाँ बहुत बोरिंग सफ़र रहेगा ये वाला, क्योंकि धूप का टाइम है और कुछ नहीं, एक बार हाई एक्सप्रेस हाईवे पकड़ लिया हमने तो बस स्ट्रेट स्ट्रेट जाना है टिल वडोदरा, कि वडोदरा में देखेंगे क्या है सीन है। बट मज़ा आया, दो दिन थे अहमदाबाद में, दो दिन जितना हो सके उतना एक्सप्लोर किया और अभी निकल गए वडोदरा की ओर। सबसे पहले मुझे अभी ना बताने को तो मेरे को नाश्ता करना है, क्योंकि हम लोग ने टाइमिंग के चक्कर में हम लोग ने जो है नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया है, तो पहले अभी मैं एक बार एक्सप्रेस हाईवे पकड़ लेता हूँ, वहीं पर कहीं हम लोग नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी। वो इधर एक्सीडेंट, हाँ ये रोड ट्रिप में इतने एक्सीडेंट देख रहे हैं ना हम लोग,
लिटरली मैं तो देखने में दिल बैठ जा रहा है सीधा, बट क्या है हमें तो चलते ही रहना है। इसके लिए कोई भी एक्सीडेंट होने के बाद मैं रुका नहीं उधर, क्योंकि फिर वो बार बार वही दिमाग में घूमेगा, फिर वो अपनी रोड ट्रिप खराब होगी, उससे अच्छा मूव ऑन। ये अभी हम लोग आ गए मेन गुजरात हाईवे पे। अभी यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी अप्रोक्स बता रहा है 3.5 घंटा 190 किलोमीटर्स। अभी देखते हैं हम कितना, अभी पर लगभग बज रहा है एक, लगभग नहीं परफेक्ट एक बज रहा है। 3.5 घंटा में 4:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। वैसे भी यूनिटी जो है 6 बजे तक बंद हो जाता है, तो मतलब हम बराबर पहुँच जाएंगे टाइम के अंदर, क्योंकि भूख बहुत लगी है। 2 बजे का टाइम हो गया, अभी 2 बजने आ गया यार लिटरली। और हम लोगों ने भी अच्छा खासा स्ट्रेच खींच लिया, 200 किलोमीटर मतलब हम लोगों ने ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर खींच लिया, जबकि सबसे पहला प्लान ये था हमारा कि हमको नाश्ता करना है। मुश्किल से अभी एक फूड प्लाजा दिखा है, पहले पेट भर के नाश्ता करते, क्योंकि यहाँ से अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी का कितना 2-2.5 घंटा दिखा रहा है बस। तो एक बार फ्रेश हो जाएंगे तो फिर इशू नहीं लगेगा राइड करने में। नाश्ता और करके हो गया, नाश्ता इन देंस खाना ही बोल सकते हैं, इसे खाना खा के तो हो गया। अभी अभी सीधा नेक्स्ट स्टॉप जो रहेगा वो यूनिटी पे ही रहेगा। बहुत टफ होने वाला है आज का दिन, क्योंकि पूरा उल्टा सीधा रोड हो गया हमारा, यहाँ से यूनिटी पे, यूनिटी से वापी, बहुत उल्टा होने वाला है। बट चलो देखते करना तो है। देखिए यहाँ से लेफ्ट लेने का टाइम आ गया है, और मेरे हिसाब से पेट्रोल भी डाल लेना चाहिए, रात के लिए मगजमारी नहीं रख सकते, पेट्रोल भी फुल कर ही देते हैं। अभी भी यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी 70 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट पकड़ लो 1.25 घंटे का रास्ता ही है। और अभी लोकल में आ गए, इन द सेंस अभी लोकल में मतलब स्पीड कम रहेगी थोड़ी, फिर भी हम जा रहे हैं 70-80 के हिसाब से जा रहे हैं। रोड उतना ठीक ठाक है, बस बीच में कुछ कुछ पैचेस आ रहे हैं, तो बाकी सब तो ठीक ही चल रहा है। अभी हम लोग एकता नगर में, और मैप के अकॉर्डिंग यहाँ से हमें लेना है राइट। अभी यहाँ से 20 किलोमीटर दिखा रहा है यूनिटी, फाइनली अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखने लग गया। वो देखो उधर सामने है वो, अभी वो कैमरा में दिख रहा है पता नहीं, बट यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। अरे बाप रे, किस चीज़ के लिए रुका है मगर ये लोग।
अच्छा कोई तो पॉलिटिशियन आया है सर। कोई का स्टार प्लेट है। व्हीकल रख दो और बस में जाना है अंदर पार्किंग। अंदर बाइक जाता है ना? नहीं जाता है। अंदर तक नहीं जाता है बाइक? अरे यार जान तो पार्किंग। पार्किंग में जान तो गाड़ी। पार्किंग में गाड़ी। बाइक नहीं जाता बोलते ये। बाइक नहीं जाता है, पीएम सिक्योरिटी है, चल रहा है रिहर्सल चल रहा है, जाने दो अंदर पार्किंग। आगे तक जाएंगे कैसा? अभी दिन ही खराब है यार। एक तो बाइक चालू नहीं हो रही और इधर यूनिटी में आके इतना बुरा वाला पोपट हो गया ना। इधर है मालूम पड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी बंद है। बस वो कोई पार के शर्ट दम लग गया यार भाग भाग के। चलो एक बार ट्राई कर ही देता। इतना कम स्पीड में तो नहीं होने वाला है। सेकंड थर्ड चलो इसको उठाना तो पड़ेगा। क्या सीन है यार। स्पीड ज़्यादा चाहिए उसको, कम से कम 20 के ऊपर की स्पीड चाहिए उसको। कोई बाइक भी नहीं चला रहा है। कोई बैटरी बॉक्स कहाँ पे? अंदर है तो पूरा। अंदर है पूरा, वो फेयरिंग खोलना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा ऐसा है क्योंकि ये तो सर क्या ना भागे जाए हम तो हम तो अखा पार्किंग पर ना रास्ता और ट्रैफिक में मज़ा नहीं आ रहा। चलो उधर से लगा लो, उधर तो टूट जाएगी गाड़ी लगभग आपकी पूरी, यहाँ पे नहीं उठेगी। मैं तो बोल रहा हूँ स्ट्रेट हाईवे पे ही ले लेते, वहाँ पे स्पीड मिल जाएगा। वो हाईवे पे ही ले लो, मेन रोड के ऊपर स्पीड मिल जाएगा बाइक को। ये भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। मैं कब से ले ना 40 में स्पीड पर जा रहे हो, बढ़ते जा रहे पे उठ से गाड़ी 40 की भी नहीं। हां थोड़ा दम बदर मारो ऊपर से। चलो आप मैं ले लेता हूँ बाहर गाड़ी, आप आ जाओ। शेट यार फिर क्या हो गया यार। अब एक पुलिस अंकल को तो बोलो, बेचारे कर रहे हेल्प। एक बार उड़ गई तो टेंशन नहीं, फिर चालू रहेगी। हाँ
भाई फाइनली अभी बंद नहीं होगी ये, अभी नहीं होगी बंद। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। अभी बंद नहीं होगी फिर हमारी। स्टैचू ऑफ यूनिटी आना कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं रहा। पहले तो सुबह से बाइक इशू दे रही थी, उसके बाद फाइनली अभी भी फिर से दी उसने इशू, क्योंकि उसको तारीफ शायद बर्दाश्त नहीं हुई मेरी। उसके बाद इतना स्ट्रगल के बाद हमें यूनिटी आए, फिर यूनिटी बन गई। क्या मतलब लिटरली क्या ही बोलने का, इतना दूर आके यार पोपड़ मतलब डैम। उसके बाद इतना कुछ पूरा नहीं हो रहा था, बाइक ने हमारी और कसर पूरी कर दी, इधर आके बंद ही हो गई सीधा। बेचारे अभी पुलिस अंकल मिले इसलिए टोकन दे के पैसे तो चालू हो गई है। ऑलराइट, सो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वापी। अभी हम लोग हैं वापी के अंदर। लिटरली मतलब कल इतना हालत हुआ है ना हम लोग का, मतलब नेक्स्ट लेवल हालत हुआ। पहली बात तो इतना तकलीफ़ हो रहा था ना बाइक की वजह से, क्योंकि बाइक जिधर रुका रहा हूँ मैं उधर बाइक बंद हो रही थी। और कल रात में एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि रात के 10:30 बजे जब एक हम लोग का 1 घंटे का रास्ता और बाकी था, बाइक हम लोग ने स्टॉप लिए, बाइक जो बंद हुई तो उसका तो चालू ही नहीं थी। मतलब लिटरली आधा पौना घंटा हो गया हम लोग एक ही जगह पर गाड़ी को धक्का दे रहे, इतने रात में कोई मिल भी नहीं रहा था कि जो मदद कर पाए। लिटरली हालत हो गई, इतना धक्का दे रहे हम लोग, फिर भी गाड़ी उठ रही नहीं हम लोग से, मतलब पिकअप मतलब चालू ही नहीं हो रही। अब क्या बताऊँ, ये तो कंफर्म बैटरी इशू है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट फिर बाद में कैसे हमको एक गाड़ी मिली, वो गाड़ी में रस्सी थी तो उन्होंने रस्सी बांध के हमको टोचन दिया, और टोचन देने के बाद फिर हमारी बाइक स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद 1 घंटे का हम लोगों ने ट्रैवल करके फिर हम लोग अपने होटल आए, यहाँ पर चेक इन किया। लिटरली मतलब कल रात में 12:30 बजे हम लोग होटल में आए, इतना स्ट्रगल कभी नहीं किया था मैंने। अब तक हर राइड में ऐसा होता था कि बाइक की तरफ से कोई तकलीफ नहीं आती, मगर ये राइड में बाइक सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है। हाँ, ये तो कंफर्म हो गया बैटरी इशू है, बट अभी शहर अपना नहीं तो यहाँ पे तो मैं गाड़ी को किसी को हाथ लगाने दूंगा नहीं, ये तो कंफर्म है। तो मैं मुंबई आके इसको ठीक कराऊंगा। अभी फ़िलहाल प्लान तो ऐसा है कि मोस्टली हम लोग यहाँ से मुंबई रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि अभी वापी में यहाँ से लगभग 4 घंटे का रास्ता रहेगा मुंबई। मुंबई अपना कन्फर्म जो कंटिन्यू करने वाला हूँ, बट एक दिन बोल रहा है इधर है तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं, थोड़ा फोटोशूट वगैरह कर लेते, क्योंकि अभी दमन से और नज़दीक ही है तो दमन में और कुछ एक दो पॉइंट रहेंगे तो वो भी बोलते ना कवर कर लेंगे। बट कंफर्म नहीं, मोस्टली हम लोग मुंबई ही रिटर्न जाने वाले हैं, बट देखते हैं अभी आगे क्या हो रहा है। अभी पहले तो नाश्ता का ऑर्डर करता हूँ, पहले नाश्ता करता हूँ, क्योंकि रात में इतना लेट हो गया, ऊपर से हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, कुछ नहीं, इधर होटल में चेक इन किए, इधर भी रेस्टोरेंट नहीं था, मतलब होटल में इतने रात में कुछ नहीं मिलने वाला था। तो कल रात में लिटरली उन्होंने भूखे ही सो गए, बस हम लोग के पास वो चिप्स वेपर से तो वही उन्होंने खाया और वैसे ही सो गए हम लोग। बहुत गंदी वाली हालत हुई है कल, लिटरली इतना चैलेंजिंग राइड मेरे लिए कभी नहीं। और सबसे मेन बात, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मेरे को मतलब पहले ग्रुप में राइड करता था, अभी वैसे नहीं है। अभी मैं आज पहली बार मतलब ये राइड पर ऐसा हुआ कि मैं सोलो टाइप आया हूँ, पीछे भी पिलियन नहीं है बस मेरे, बाइक की कोई हेल्प नहीं कर सकता मैं, तो फॉर दी बेस्ट। तो आज में भी ये हम लोग का लास्ट पार्ट रहेगा, इसके बाद गुजरात सीरीज हमारी जो है पूरी हो जाएगी। तो आज शायद घर चले जाने, मतलब बोलते हैं घर जाने का टाइम आ गया अभी रिटर्न। तो चलो मिलता हूँ नाश्ता वगैरह करके आपसे। सो पैकिंग हमारी पूरी हो गई है और मैं भी पूरा सेट हो चुका हूँ, पूरा राइडिंग गियर्स एंड ऑल सब सेट। बस अभी कुछ नहीं, अभी निकलना है, बाकी मज़ा ही है। गुजरात की सीरीज़ में मेरी अब तक की सबसे टफ राइड रही है, लिटरली बोल रहा हूँ, बाइक ने जो हालत की है ना मेरी अभी तक की सबसे टफ राइड रही है। सो फार सो गुड, पूरा ड्राइव हो गया आज। बस अभी घर जाना है, तो अभी कुछ मेरे को नहीं लग रहा, इसके आगे मैं मोटर ब्लॉग करूँगा, ये ब्लॉग को यही एंड कर देंगे, ये सीरीज़ जो थी हमारी वो यहीं पर एंड कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आप लोग को ये पूरा गुजरात का जो सीरीज़ था वो पूरा अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन, दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।